एक तरफ गर्मी से परेशानी तो दूसरी तरफ बरसात का डर। पिंजौर से चंडीकोटला में बीते दिन हुई तेज बारिश से जहां कई घरों में दरार आ गई, वहीं घर गिरने से गांववासी बेघर हो गए, जबकि बारिश कुछ ही देर होने से ऐसा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा से चंडीकोटला गांव के निवासी जहां अपने लिए बसेरा ढूंढ रहे हैं, वहीं प्रशासन से भी मदद के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं। जिला उपायुक्त के आदेशानुसार निरीक्षण करने पहुंचे बीडीओ राजकुमार शर्मा ने घर घर जाकर निरीक्षण किया व प्राकृतिक आपदा से संबंधित जानकारी दी व जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए आश्वासन दिया। ये जिला प्रशासन की तरफ से एडीसी पंचकुला ने मुझे मैसेज दिया, ये जो चंडीकोटला चंडी मंदिर में जो बारिश से नुकसान हुआ है उसका निरीक्षण करके और प्रशासन को रिपोर्ट करें। तो इसी विषय में मैं आज गाँव में आया हूँ और ये गांव के जो मौजूदा आदमीन के साथ मैंने मौका निरीक्षण किया है। मौका पहले भी देखा था लेकिन इसका कोई खास समाधान नहीं निकल पाया और एक जो ज़मीन में ये दरार है इसको भरवाना बहुत ज़रूरी है और मैं अपनी रिपोर्ट कल सुबह ही जिला प्रशासन को दे दूंगा और जितने भी संभव प्रशासन की तरफ से कोशिश होगी, प्रयत्न होगा तो पूरा का पूरा मैं ये रिपोर्ट भी करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा और कोशिश करूँगा ये बारिश से पहले पहले इसका समाधान हो जाए। और मैं जो गांव के जो बाकी लोग यहाँ हैं और जिनके घरों में काफ़ी नुकसान है तो इनमें ये है कि अगर बारिश आ जाती है तो इनमें नुकसान होगा, तो मैं इन सब को भी ये अपील करता हूँ कि बारिश का जब भी बारिश का इन्हें महसूस हो तो ये अपना जैसे भी जहाँ भी इनको जगह मिले, कोई सार्वजनिक जगह है, स्कूल है या पंचायत घर, धर्मशाला, आंगनबाड़ी सेंटर या किसी अपने रिश्तेदार का या परिवार का दूसरा मकान है उसमें शिफ्ट करें और बारिश का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मैक्सिमम जो मकान देखे हैं 10 तो बिल्कुल टूट ही चुके हैं और बाकी के जो मकान हैं वो गिरने को हैं, क्योंकि ये बारिश से ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, इनमें पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक दरार आई हुई है। इसमें सबसे पहले तो अस्थायी रूप से जो यहाँ एक दरार है काफ़ी, ये लगभग 200-250 मीटर की लंबी जो दरार है इसमें मतलब मिट्टी भरवाना बहुत ज़रूरी है, तो इसका कार्य मतलब प्राथमिकता के आधार पर पहले इसको भराया जाएगा और जो ज़मीन का लेवल है उससे लगभग 1-2 फुट अगर इसको ऊंचा किया जाता है तो बाकी का जो बारिश का नुकसान है वो नहीं होगा, क्योंकि जो पानी खेतों की तरफ से आता है वो पानी वापस उधर चला जाएगा, घरों की तरफ और बस्ती की तरफ नहीं आएगा। और इसके उपरांत जो बस्ती है इसमें भी जो गलियाँ बनी हैं उसमें थोड़ा सा नालियों का जो प्रबंध है वो नहीं है अच्छी तरह से, ये कोशिश ये होगी कि शीघ्र ये नाली पानी की निकासी का प्रबंध किया जा सके। वार्ड नंबर 6 की नव निर्वाचित पार्षद सीमा देवी ने मौके पर जाकर गांववासियों की समस्याओं के बारे में जाना व प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द इस समस्या को दूर